नमस्कार दोस्तों, लीजिए हाजिर हूँ मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज के मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक पुरानी और शानदार कहानी हार की जीत, जिसमें है डाकू खड़क सिंह, बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान की कहानी। तो चलिए इसे मैं सुनाती हूँ आपको। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देख कर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देख कर आता था। वह घोड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख प्रसन्न होते। आप गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु के वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्हें देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया
और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बार सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका इससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन मन भरकर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके मुंह पर थपकिया देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो ये थी सुदर्शन जी की कहानी हार की जीत। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।